दोस्तों आज की कहानी है ननन जी अगर आपको अपना माए का आबाद रखना है तो ज़मीन में से हिस्सा मत लेना दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो पापा के जाने के बाद परिवार में भाइयों में संपत्ति के विवाद हो गया विवाद इतना बड़ा कि वह माँ को भी तभी रखने को तैयार थे जब नूतन अपने हिस्से को भी भाइयों के नाम कर दे नूतन को अपना हिस्सा देने में भी कोई समस्या नहीं थी पर वो तो सिर्फ माँ को लेकर परेशान थी वो तो शादी थी कि माँ उसके साथ ही रहे वो पूरे आत्म सम्मान के साथ माँ को रखना शादी थी पर आज भी हमारी मानसिकता ऐसी है कि माता पिता बेटी वो भी अगर विवाहित हो तो उसके साथ रहना तो दूर उसके खाना पीना भी वर्जित समझते हैं जब माँ उसके साथ रहने को तैयारी नहीं थी और इस उम्र में उनके लिए अकेला रहना भी संभव नहीं था तब माँ की अच्छी देखभाल के लिए नूतन ने कई नज़दीकी रिश्तेदारों की उपस्थिति में संपत्ति के सभी कागजात पर हस्ताक्षर कर अपना हिस्सा भी भाइयों को देने का फैसला किया नूतन को अपने इस फैसले पर जरा भी दुख नहीं था पर मन ही मन उसको सिर्फ एक ही बात कटुस रही थी कि जो भाई बहन बचपन में एक ही थाली में खाना खाने में भी नहीं हिस्साते थे अगर एक भूखा हो तो अपने हिस्से का खाना भी उसको देने में भी कोताही नहीं बरतते थे पर बड़े होने पर माता पिता की मेहनत से कमाई संपत्ति में भी हिस्सा साते हैं और एक दूसरे से इतनी जन रखते हैं कि किसी के पास जमी जायदाद का एक इंस भी अधिक ना सला जाए वह तो अपने हिस्सा भाइयों को देने का मन बना ही सुखी थी पर कुछ रिश्तेदारों की बातें भी उड़ती उड़ती उसके कानों में पड़ी नूतन ने सुना कि वो लोग कह रहे थे कि अगर वो अपना हिस्सा भाइयों को दे भी रही है तो कौन सा एहसान कर रही है क्योंकि उसकी शादी और पढ़ाने लिखाने में भी तो माता पिता का बहुत खर्चा आया था कुछ का तो ये भी कहना था कि नूतन और उसका पति तो अच्छा खासा कमाते हैं लड़कियों को अगर अपना मायका माता पिता के बाद भी बना कर रखना है तो उसको इतना करना ही पड़ेगा लोगों की इस तरह की बातें उसके दिल को दुखी कर रही थी उसने तो कभी अपने ससुराल और माई के दोनों जगह लेने देने का कभी भी हिसाब नहीं रखा था वह अभी यह सोच ही रही थी कि इतने में जो वकील पापा की वसीयत के सारे कागजात का काम देख रहे थे ने उसके सामने कुछ पेपर्स पर हस्ताक्षर करने को कौन पेपर्स पर जो लिखा था वह पढ़कर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई असल में जा, जा उसे हस्ताक्षर करने देवा दान करता लिखा दर्जा भाइयों के नाम लिखा था वह कोष्टक में यासक का नाम लिखा था ये देख कर आज उसे अपने पापा की एक बात याद आ गई थी बचपन से लेकर बड़े होने तक यहाँ तक कि शादी और बेटी होने के बाद भी वो ही सबके लिए उपहार खरीदती आई थी वो किसी का जन्मदिन हो या कोई और आयोजन उसमें सबके लिए बहुत प्यार से उपहार खरीदती और देती थी पर पता नहीं क्यों उसका जन्मदिन या कुछ और अवसर होता तो कोई उसको उपहार देने में इतना उत्साह नहीं दिखाता था यहाँ तक कि उसकी सास भी कुछ जेवर देती तो नूतन को कहती साहु तो अपनी बेटी के लिए उठाकर रख दो नूतन को मन ही मन थोड़ा अजीब लगता कई बार उसे लगता कि सबकी नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं है इन सबके शक्कर में उसके मन में कई बार दूसरों के लिए जलन की भावना भी आ जाती क्योंकि उसको लगता कि उसके आसपास उसे प्यार देने वाले बहुत कम लोग एक दिन जब यही सोच सोच कर बहुत परेशान थी तब उसने अपने पापा को भी अपना ये दुख कैस सुनाया तब उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटा तू तो बेशकीमती कीमती है और जो इतना कीमती हो उसको भला कोई क्या उपहार दे सकता है तेरे को तो भगवान का शुक्रिया करना सही है कि तेरे हाथ हमेशा देने के लिए ऊपर होते हैं लेने के लिए झुकते नहीं हैं मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि तेरे पास किसी भी वस्तु की कमी ना हो पूरी जिंदगी भगवान का आशीर्वाद तेरे ऊपर बना रहे अपने पापा की बात सुनते ही नूतन के मन मैं सुखद अनुभूति ने जन्म ले लिया था उस दिन के बाद उसके मन में ना तो किसी के लिए कोई जलन पैदा हुई ना ही उसने किसी से कुछ लेने की इच्छा रखी आज कसरी में भी वह पेपर्स देखकर उसको पापा का आशीर्वाद याद आ गए और अभी तक नाती रिश्तेदारों की जो बातें उसके दिल और मन को शोर पहुंचा रही थीं उन बातों को उसने अनसुना कर दिया बस वहां से चलते हुए उसने सबको इतना जरूर कहा कि बेटियां तो आप सबके भी हैं पढ़ाई लिखाई और शादी में तो बेटों की भी खर्चा होता है पर हिस्से और जायदाद की बात आते ही बेटी को बिल्कुल पराया कर देना ये ठीक नहीं है अगर सरकार ने बेटियों की बराबरी का कानून बनाया है तो उसका पालन भी करना चाहिए बेटी के पैदा होने में भी बेटे के जितना ही समय लगता है फिर उसके साथ रहने में संकुच कैसा वैसे तो संतान साहे बेटा और बेटी कोई भी हो उसकी इतनी सक्षम तो होना चाहिए कि वो माता पिता की मेहनत की कमाई संपत्ति पर अपना अधिकार समझे बिना निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें शायद तभी वसियत के ऊपर झगड़े कम होंगे और बड़े होने पर उनमें शायद जलन की भावना भी जन्म नहीं लेगी।